डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग कार्बनिक रसायन के लास्ट वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। चलिए इसमें हम लोग टॉपिक्स देते हैं। पिछले दिन हम लोग एंटी माइक्रोबियल्स को पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक। ठीक है, टॉपिक बनाएंगे एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक हम लोग टॉपिक देंगे। तो अब एंटीबायोटिक क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अरो देंगे, लिखेंगे वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों ब्रैकेट में बैक्टीरिया, वायरस तथा फफूंदी, ब्रैकेट में लिखेंगे बैक्टीरिया, वायरस तथा फफूंदी से उत्पन्न संक्रमण को रोका जाता है, उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है, उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है, उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। चलिए, सबसे पहला एंटीबायोटिक किसको कहेंगे, तो वह रसायन जो सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, ये सब अगर संक्रमण को रोकता है, होने वाले संक्रमण को रोकता है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या कहलाएगा, एंटीबायोटिक कहलाएगा। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे उसके नीचे सेकेंड एरो, एंटीबायोटिक में सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकने के लिए एरियोमाइसिन कॉमा टेट्रासाइक्लिन कॉमा क्लोरोमाइसेटीन का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एंटीबायोटिक क्या हुआ, एंटीबायोटिक का काम है सूक्ष्म जीवों से होने वाले, ठीक है, सूक्ष्म जीवों से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। अब एंटीबायोटिक में कौन कौन सा दवा आते हैं, तो इसका नाम याद रखिएगा एरियोमाइसिन एक तरह का एंटीबायोटिक है, फिर टेट्रासाइक्लिन भी एक तरह का एंटीबायोटिक है, क्लोरोमाइसेटिन भी एक तरह का एंटीबायोटिक है। चलिए, तो ये नाम याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन सी दवा प्रयोग करते हैं, एरियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसेटिन। चलिए फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए एंटीबायोटिक में जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एंटीबायोटिक में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने नष्ट करने नष्ट करने के लिए उपयुक्त दवा का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जैसे एंटीबायोटिक में सूक्ष्म जीव कौन कौन सा हुआ, तो बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी, ये सब जो हुआ सूक्ष्म जीव हुआ, इसको नष्ट करने के लिए, इसको मारने के लिए उपयुक्त दवा, उपयुक्त का मतलब जो ऊपर लिखे हैं ना दवा, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसेटिन, एरियोमाइसिन, ये सब दवा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अब रहा बात कि इस सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए और हम लोग क्या क्या ले सकते हैं,
तो इसको और भी दवाएं हैं, जैसे जैसे मैं करके उसके नीचे लिखिएगा, जैसे कौन कौन सी दवा है। उपयुक्त तो दवा तो यूज कर सकते हैं, फिर है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पेनिसिलिन कॉमा एमिनो ग्लाइकोसिड, एमिनो ग्लाइकोसिड कॉमा ओफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन आदि। ध्यान रखिएगा एंटीबायोटिक में कौन कौन सी दवा आती है, तो पेनिसिलिन, एमिनो ग्लाइकोसिड, सिड ड है ड, और फिर ओफ्लोक्सासिन। तो याद रखिएगा इन सारी दवाएं जो हैं एंटीबायोटिक के अंतर्गत आती है। अब एंटीबायोटिक का काम क्या है कि जो सूक्ष्म जीव से होने वाला संक्रमण है उसको रोकता है। ठीक है, फिर लिखा जाए नोट में करके, सभी दवाओं में एंटीबायोटिक दवा महत्वपूर्ण है, सभी दवाओं में एंटीबायोटिक दवा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आप सुने भी होंगे डॉक्टर साहब से कि ये एंटीबायोटिक दवा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दी काम कर जाएगा। तो एंटीबायोटिक दवा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये बहुत जल्दी ही अपना मतलब अटैक करता है जो सूक्ष्म जीव से फैलने वाले रोग हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, जो वायरस से रोग होने वाले रोग हैं। ठीक है, जैसे कि अभी देख लीजिए एक वायरस फैला है, कोरोना वायरस, तो इसको इसके ऊपर एंटीबायोटिक ही खोजा जा रहा है कि कौन सा एंटीबायोटिक लाया जाए, कौन सा टीका, कौन सा इंजेक्शन लाया जाए ताकि वो जीवाणु जो है, वो सूक्ष्म जीव है, वो नष्ट हो सके किसी भी शरीर से, मानव शरीर से जिसको हुआ है। ठीक है, तो ये था एंटीबायोटिक। तो याद रखिएगा जितनी भी दवाएँ हैं उसमें सभी में से महत्वपूर्ण कौन सा है? एंटीबायोटिक। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे एंटीबायोटिक को, अब हम लोग पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक। तो टॉपिक बनाएंगे एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक टॉपिक बनाएंगे, उसको हम लोग एंटीसेप्टिक को डिसइन्फेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं, डिस इन्फेक्टेंट, डिसइन्फेक्टेंट। याद रखिएगा एंटीसेप्टिक को किस नाम से जानते हैं? डिसइन्फेक्टेंट के नाम से जानते हैं। और ये एंटीसेप्टिक क्या है? तो एक तरह का ये बाहर से, जैसे मान लिया कि कोई सूक्ष्म जीव ऐसा है जो आपके त्वचा पे हमला कर देता है, जैसे घाव हुआ उसमें बैक्टीरिया वायरस फैल रहा है, तब उसको रोकने के लिए एंटीसेप्टिक या डिसइन्फेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसके बारे में जाना जाए। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, यह भी एंटीबायोटिक की तरह सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न संक्रमण को रोकता है, सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न संक्रमण को रोकता है या उसे समाप्त कर देता है, या उसे समाप्त कर देता है। यह त्वचा पर घाव की पट्टी करने, घाव की पट्टी करने तथा तथा कटने पर उपयोग किया जाता है, कटने पर उपयोग किया जाता है। उसके नीचे जैसे लिखेंगे, जैसे डिटॉल कॉमा सेवलॉन, सेवलॉन कॉमा बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल आदि। देख पा रहे होंगे एंटीसेप्टिक, कोई बोलेगा कि एंटीसेप्टिक क्या है भाई? तो एंटीसेप्टिक भी एक तरह का एंटीबायोटिक है। इसका भी काम है कि सूक्ष्म जीव से फैलने वाला जो संक्रमण है उसको रोकना, लेकिन इसका इसको हम लोग खाते नहीं हैं, उसको हम लोग दवा है तो उसको मुंह से लिया जाता है, खाया जाता है पेट में, लेकिन इसको जो है त्वचा पर लगाया जाता है, जैसे कि डिटॉल कहीं कट छंट जाए तो संक्रमण को रोकने के लिए हम लोग इसको त्वचा पर यूज करते हैं, मतलब इसको खाया नहीं जाता है। आप देख पा रहे होंगे बोरो प्लस जो यूज करते हैं आप लोग, उस पर लिखा हुआ रहता है एंटीसेप्टिक क्रीम,
यानी कि कटने छिलने पर हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर एंटीसेप्टिक में किसको हम लोग कहेंगे, तो ये भी एक एंटीबायोटिक है जिसके उपयोग से हम लोग वायरस को समाप्त करते हैं, लेकिन वो कहाँ का वायरस, त्वचा पर के, या फिर उसको ख़त्म कर सकते हैं या रोक सकते हैं फैलने वाला रोग को, ठीक है। और कुछ एंटीसेप्टिक हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसके नीचे एरो देकर लिखा जाए। कुछ उपयोगी एंटीसेप्टिक निम्नलिखित हैं, कुछ उपयोगी एंटीसेप्टिक, कुछ उपयोगी एंटीसेप्टिक निम्नलिखित है। पहला ए में लिखा जाए फिनॉल, फिनॉल भी एक तरह का एंटीसेप्टिक है, ठीक है। बी में लिखा जाए साबुन, साबुन भी एंटीसेप्टिक है क्योंकि हम लोग जो अपना बदन पूरे शरीर में लगाते हैं साफ करते हैं, ये भी एंटीसेप्टिक है। तीसरा में लिखेंगे सी में एथेनॉल, एथेनॉल। फिर लिखा जाए डी में डिटॉल, डी में डिटॉल। और ई में लिखा जाए टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन। तो कुल मिलाकर ये सब सारे इम्पोर्टेंट कुछ एंटीसेप्टिक थे, ठीक है, जिसके उपयोग से हम लोग त्वचा पर फैलने वाले जो संक्रमण है, जो वायरस से होकर फैलता है, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। चलिए उसके नीचे एरो देंगे फिर से। टिंचर आयोडीन का उपयोग मुख्य रूप से, ये जो टिंचर आयोडीन लिखे हैं इसके बारे में बोला जा रहा है, टिंचर आयोडीन का उपयोग मुख्य रूप से घाव तथा कटे पर लगाने पर लगाया जाता है, घाव तथा कटने पर लगाया जाता है। जी हाँ, इसका मुख्य रूप हम लोग कहाँ करते हैं, एक्चुअली जब कभी भी घाव होता है या फिर कहीं कट छिल जाता है, तब फिर हम लोग डायरेक्टली टिंचर आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्त आज हम लोग दो टॉपिक्स को पढ़े कि क्या होता है एंटीबायोटिक और क्या होता है एंटीसेप्टिक, और फिर आगे की क्लास में हम लोग उपशामक के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये उपशामक क्या है, ठीक है। तो उपशामक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।